मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज जबलपुर में नगर निगम घेराव कार्यक्रम को लेकर दौरे पर थे। पटवारी ने जबलपुर में जोरदार प्रदर्शन के दौरान राज्य में बढ़ते रेप के मामलों पर चिंता जताई। जीतू बोले, 24 घंटे में 6 रेप के मामले सामने आए हैं। आखिर हमारा मध्य प्रदेश रेप की राजधानी कैसे बन गया? पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील की, जागो मोहन भैया, आप गृहमंत्री भी हो। पटवारी ने महापौर जगत बहादुर अन्नू पर भी जमकर निशाना साधा और बीजेपी की सरकार को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा, यह सरकार केवल नेताओं की खरीद फरोख्त में लगी है और जनता को लूट रही है। उनका आरोप था कि वर्तमान व्यवस्था लोगों को तकलीफ दे रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। अगर आज चुनाव हो जाए तो मोहन यादव की सरकार 9-2-11 हो जाएगी। अगर 1200 का बोला था बहनों को देगी और जीजा जी को 5000 का बिल दे दिया। नगर निगम में ट्राई है टैक्स की, अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार की। विधायक, महापौर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में ले जाके कैसे कचरा करते हैं, ये जगत बहादुर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे यहाँ हीरो था, वहां जाके जीरो हो गया। अब देखो कि आज अखबार में 24 घंटे में 8 बलात्कार हुए, 24 घंटे में 8 बलात्कार, एक 7 साल की बच्ची के साथ, एक 3 साल की बच्ची के साथ, एक 17 साल की बच्ची के साथ, एक गैंग रेप, अलग अलग तरह की यातना है बहनों को। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, बहुत आत्मीयता से प्रार्थना करता हूँ मोहन यादव जी से कि मोहन भैया, हम आप जैसा कहो वैसा साथ देने को तैयार है। आप बहनों की आबरू बचा लो, बेटियों की आबरू बचा लो। आप बेटियों की आबरू का की राजधानी बना दिया आपने प्रदेश को। मैं याचना करता हूँ आपसे मोहन भैया, आप बेटियों की आबरू बचा लो, बस इतना ही निवेदन है। मैंने जैसा कहा, डंके की चोट जबलपुर की संस्कार ढाणी ने जिस तरीके के संस्कार पूरे मध्य प्रदेश में भेजे, इस सरकार ने 2 महीने में एक भी वादा नहीं निभाया। न 3000 बहनों को दिए, न 2700 गेहूं के दिए, न 3200 धान के दिए, न 6000 रुपए की किसानों की जो सोयाबीन की मांग हो रही है उस पर काम कर रही है। सिर्फ कर्ज लेना 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज मोहन सरकार लेती है और पीछे से फिर एक बहुत बड़ा विज्ञापन देती है, उनमें उनका खुद का फोटो लगाती है। एक हेलीकॉप्टर 70 करोड़ का बीमा करा दिया उसने, हवाई जहाज खरीदते कर्ज लेके, अरे अलग अलग तरह के धार्मिक आयोजन करते कर्ज लेके। ये कैसी सरकार है भैया? कर्ज में सरकार, किसान कर्जदार, जनता कर्जदार, युवा बेरोजगार और सब जगह अहंकार। वारे मोहन सरकार, वारे मोहन सरकार। बैगा, बैगा जो जाती हूँ। अखबार उठाओ और पहला पन्ना खोलो तो पहली खबर थी आज की, सरकार 100 करोड़ रुपए रोज उधार लेती है। अखबार के दूसरे पन्ने पर सरकार की अलग अलग संस्थाएं नगर निगम से लेके सरकार की टैक्स प्रणाली जनता को लूटती है। फिर अखबार का तीसरा पन्ना उठाओ और दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर जगह जगह अत्याचार की खबरें आती है। अखबार का चौथा पन्ना उठाओ तो बेटी के बलात्कार से अखबार भरे पड़े रहते हैं। सही है कि गलत? आज ही की घटना, पिछले 24 घंटे अखबार और मीडिया के साथियों, जरा ढंग से मेरी बात को कवर करना। और मैं अनुरोध करता हूं कि आज 24 घंटे की खबरें हैं ये बेटी के बलात्कार की। जबलपुर में नाबालिग के साथ बंदी बनाकर गैंगरेप हुआ। आज जब हम यहाँ बैठे हैं,
रीवा में काले छात्रा को गैंगरेप, इकट्ठे 6 लोगों ने एक साथ गैंगरेप किया। अम्बा काचोल जगह 6 साल की बच्ची मासूम, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके अखबार और वीडियो पे फटवारे खून से सने हुए। दतिया में 17 साल की बेटी के साथ बलात्कार आज ही हुआ। सतना में 19 साल की बेटी के साथ रेप हुआ। 3 लोगों ने एक बच्ची के साथ गैंग रेप किया सतना में। और अभी जब मैं यहाँ बैठा था, हमारे दोगने जी हैं हरदा के विधायक, उन्होंने मुझे फोन किया कि एक आदिवासी बेटी के साथ, एक सेन समाज की बेटी के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। कैसा प्रदेश बन रहा है? जबलपुर में महापौर जी कांग्रेस में कुछ मिला नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए चले गए। और अभी मुझे एक जानकारी मिली है कि जबलपुर के अंदर चाहे महापौर हो चाहे कमिश्नर हो, 4% कमीशन लेते हैं। सही बात है कि गलत है? तो ये विकास कैसे होगा जो 4% अगर कमीशन लेंगे आपके मेहनत के पैसे का, आपके टैक्स का, आपके बिजली के बिल का, इस जबलपुर का विकास कैसे होगा? जब मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन जी के समय मुझे याद है, 1,929 करोड़ रुपए आए आपके जबलपुर के लिए, लेकिन 400 करोड़ की आपकी सीवेज की लाइन डली, पूरे जबलपुर को खोद दिया। लेकिन इतना बड़ा घोटाला हुआ, आज पूरा जबलपुर का पानी आज सड़कों पे रहता, जबलपुर में जा नहीं पाते। तो आज इस प्रकार से लोग घोटाले करते हैं। लेकिन जब राज्य की बात आती है अंश की 10% देने की, तो पैसे नहीं दे पाते। ये आपका पैसे का ही आप पैसा नहीं दे पाते 10%। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जबलपुर विकास के लिए जिस प्रकार से घोटाले हुए, नगर निगम में हुए, सफाई कर्मचारियों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस धरने के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं साथियों कि जबलपुर की जनता के लिए, आम जनता के लिए जो पानी सड़कों पे आ रहा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। और मैं आपको इस बात दिलाता हूं कि जिस प्रकार से आप हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए, ये आने वाला समय दिखाएगा कि जबलपुर की हर सीट को कांग्रेस जीतेगी। और आने वाले समय में आपको मजबूती से यह नेतृत्व मिलेगा, ये मैं इस बात दिलाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पटवारी के नेतृत्व में करीब 2000 कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सिविक सेंटर से रैली के रूप में आगे बढ़े, लेकिन नगर निगम ऑफिस के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका। इस पर कांग्रेस नेताओं ने बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास किया। आखिरकार आधे घंटे की कोशिशों के बाद एडीएम को ज्ञापन देकर प्रदर्शन समाप्त किया गया। इस प्रदर्शन ने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दों को फिर से उजागर किया है। कांग्रेस ने एकजुट होकर राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि वह जनता की समस्याओं का ध्यान दे। कांग्रेस नेताओं ने जबलपुर में नागरिक सुविधाओं की कमी को लेकर आवाज उठाई है। उनका कहना है कि भले ही जबलपुर एक महानगर बन चुका है, लेकिन यहां की सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने बताया कि सड़कें जर्जर हैं और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा है। शहर में गंदगी के ढेर जगह देखे जा सकते हैं। शर्मा ने आरोप लगाया कि बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पहले जिन घरों का बिल 200 से 300 रुपए आता था, अब वह बढ़कर 4000 से 5000 रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि एक दिन लेट होने पर दोगुना टैक्स वसूली का प्रावधान भी लोगों के लिए कठिनाई का कारण बन रहा है। जबलपुर नगर निगम का घेराव करने के दौरान जीतू के साथ उमंग सिंघार, लखन घनघोरिया, ओमकार मरकाम, आरिफ मसूद, तरुण भनोट, विनय सक्सेना, संजय यादव और सौरभ शर्मा, दिनेश यादव, अमरीश मिश्रा, मतीन अंसारी, मनोज नामदेव मुख्य रूप से उपस्थित थे।